शांति और संतुष्टि, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर बाहर खोजा करते हैं, मगर होती ये हमारे अंदर है। 94.3 MyFM पर मैं विनी आपके साथ हूँ। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कॉलेज में आर्ट्स के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक दिन एक कंपटीशन डिक्लेयर करा, पेंटिंग कंपटीशन। सारे चित्रकारों से कहा गया कि ऐसी पेंटिंग लेकर आए जो पीस यानी कि शांति को दर्शाती हो, और सबसे अच्छी तरह से शांति का मैसेज जो पेंटिंग देगी उसे एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। अब तय दिन जो था कंपटीशन का, सारे चित्रकार एक से एक अच्छी पेंटिंग्स लेकर पहुंचे, जिसमें से दो पेंटिंग्स को निकालकर प्रोफेसर ने साइड पे रख दिया। पहली पेंटिंग जो थी वो एक शांत, साफ और सुंदर झील की थी। झील का पानी इतना साफ कि अंदर की सतह तक नजर आ रही थी, और झील के पानी में पास में जो पहाड़ थे उनकी मिरर इमेज ऐसे बन रही थी जैसे नीचे कोई मिरर रखा हो। ऊपर नीला आसमान और उसमें रुई के फोहों जैसे सफेद सफेद बादल। आहा, ऐसी पेंटिंग कि हर कोई उसको देखकर कह दे कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग नहीं हो सकती। और वहीं दूसरी पेंटिंग, पहाड़ तो इसमें भी थे मगर रूखे, बेजान, बंजर पहाड़। तेज हवाएं और आंधियां चल रही थी जैसे तूफान मचा रखा उन आंधियों ने। आंधियों की वजह से पेड़ हिल रहे थे, झरने ने उफान मार रखा था, तेज बारिश से नदी भी रौद्र रूप ले चुकी थी। उस पेंटिंग को देखकर हर किसी को लग रहा था कि यार इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना, इसमें शांति जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक से प्रोफेसर ने डिक्लेयर करा कि दूसरी पेंटिंग ही विजेता है। पहले वाले चित्रकार से रहा नहीं गया, उसने कहा कि क्यों, हर किसी को लग रहा है कि मेरी ही पेंटिंग को चुना जाना चाहिए था, फिर आपने इस पेंटिंग को क्यों चुना। प्रोफेसर मुस्कुराए और उस पेंटर को पेंटिंग के नजदीक ले गए और बोले, देखो यहाँ ये जो रौद्र रूप लिया हुआ झरना है, इसके पास एक पेड़ है जो हवा से एक तरफ झुक गया है, लेकिन इस पेड़ की डाली पर बने हुए घोंसले को देखो, उस घोंसले में चिड़िया शांति और प्यार से बैठकर अपने बच्चे को खाना खिला रही है। प्रोफेसर ने फिर सबसे कहा कि शांति का मतलब ये नहीं कि आप एक ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां शोर नहीं है, समस्या नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। शांति का मतलब ये है कि आप कितनी भी अशांति, अराजकता और विपरीत परिस्थितियों में हो, लेकिन फिर भी आप शांत रह सकें और पूरे शांत मन से अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकें। अब शायद सबको समझ में आ चुका था कि प्रोफेसर ने उस पेंटिंग को क्यों चुना। एक्चुअली हम सब ना शांति बाहर ढूंढते हैं, हमको वेकेशन पर जाना होता है, रिमोट लोकेशंस पर जाना होता है कि वहां जाकर शायद शांति मिलेगी, लेकिन नहीं यार, शांति का मतलब यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो आपका मन शांत होना चाहिए और शांत मन से अपने काम पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो चलिए अपने अंदर छुपी हुई शांति को ढूंढते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।